जो भी वद आने का हव है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि प्रेस इन्फॉर्मेशन न्यूज नहीं करते। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक माननीय श्री वी सत्य वेंकटराव जी, हमारे प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर्टिकल को हेड कर रहे माननीय श्री सुभ्रंशु शेखर आचार्य जी, मुख्य महाप्रबंधक, NCHSD के सेक्रेटरी श्री सुब्रमण्यम जी, सिडबी नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में श्री जावेद अहमद सिद्दीकी जी, इस कार्यक्रम में पधारे देश के सभी क्षेत्रों से आए हुए आर्टिजन्स, उद्यमी बंधुओं, मीडिया, आप सभी का आज बहुत हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में आने के लिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा प्रायोजित स्वावलंबन मेला, इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जगहों से अच्छे उद्यमी और हस्तशिल्पी पधारे हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स का यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। सर, लगभग यहाँ 50 से 60 इंस्टॉल यहाँ पे हैं, जो कि देश के विभिन्न भागों से आए हुए उद्यमी यहाँ पर लगाए हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन NCHSDD ने किया है, वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है। सर को अभी यहाँ से बेंगलोर जाना है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मुख्य महाप्रबंधक श्री आचार्य जी का, कि वो श्री जो कार्यक्रम में आए हुए हैं उनका एक वेलकम एड्रेस करें वो, और हमें उद्बोधन करें। सर आचार्य सर, नहीं सर ये बोलेंगे, सर यहीं से बोलेंगे या वहां से बोलेंगे? वहां से बोल रहे हैं सर, माइक तो वहां लगे हुए हैं सर, फोकस अच्छा है सर। ठीक है सर, ठीक है। सभी गणमान्य व्यक्तियों का, हमारे उप प्रबंध निदेशक श्री सत्य वेंकट राव सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर, आपने अपना व्यस्त समय से समय निकाल के आज हमारा ये जो प्रयास है दिल्ली में स्वावलंबन मेला, उसका उद्घाटन करने के लिए आप आए लखनऊ से, और फिर आप यहाँ से बेंगलुरु के लिए प्रस्थान करेंगे, तो इसके लिए जो है बहुत बहुत आभार सर आपको। और आप सभी को हम सूचित करेंगे कि जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए काम करता है। उनका प्रमोशन, डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग में जिस पॉलिसी लेवल में काम करता है, फाइनेंसिंग लेवल में काम करता है, और उनका उनका डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। क्या है
जब हम एमएसएमई लगाते हैं या माइक्रो यूनिट्स लगाते हैं, उनके दो समस्याएं होते हैं, एक तो है एक्सेस टू क्रेडिट और दूसरा है एक्सेस टू मार्केट। अभी तक क्या है, जितने सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो एफर्ट्स हैं एक्सेस टू क्रेडिट के लिए थे, सरकार के हो या बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं, सब हम एक्सेस टू क्रेडिट के लिए बहुत उद्यम कर रहे थे, कर भी रहे हैं, और एक समस्या है छोटे उद्योगों के लिए। बट ये जो एक्सेस टू मार्केट है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको भी एड्रेस करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक्सेस टू क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग इस टाइप का प्रयास शुरू किए करीबन 3-4 साल पहले से, कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर हमारे ये जो आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, जो छोटे छोटे एकदम माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग आए और अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करें, ताकि एक जितने हमारे सिटीज़ हैं यहाँ पर अगर हम करेंगे एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा, लोग ऐसे ही आते हैं क्योंकि ये एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर एग्जीबिशंस होते रहते हैं, लोगों को पता है, लोग आते हैं और आप लोगों का प्रोडक्ट देखते हैं, खरीदते हैं। तो ये एक मार्केट कनेक्ट के लिए प्रयास है सिडबी की तरफ से, और इसी सिलसिले उसमें भी सिडबी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। हालाँकि अभी शुरुआती दिनों में अभी सिर्फ 3-4 महीने ही बीते हैं, बट जिस स्केल में ये सरकार का जो सोच है, हम लोगों का जो सोच है, जिस स्केल में हम उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अभी जितना प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो है आगे चल के छोटे से छोटा भी जो हमारे ग्रामोद्योग हैं या आर्टिसंस हैं, छोटे हमारे जो नैनो एंटरप्राइजेस हैं, वो सब भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाजार से जुड़ सकेंगे। और पहले अब क्या होता था, अभी ये फिजिकल मार्केट प्लेस आपके लिए हमने क्रिएट किया, तो इसमें लिमिटेशंस हैं, जितने लोग आएंगे आप उन्हीं को बेच पाएंगे, या दिल्ली में जो लोग आएंगे उन्हीं को बेच पाएंगे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके हम मार्केट से जुड़ना चाहेंगे, तो हम दिल्ली में बैठ के, जोधपुर में बैठ के, या फिर जो कहीं जम्मू में बैठ के, हम पूरे हिंदुस्तान के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी प्रयास शुरू कर दिया है, और बहुत छोटे छोटे उद्योग जो कि अभी कोई महाराष्ट्र में है, उनको बैंगलोर से ऑर्डर आ रहा है, दिल्ली से ऑर्डर आ रहा है। सिमिलरली आपका कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप सब इतना कष्ट उठा के आज यहाँ पर आए हैं और अपना स्टॉल लगाए हैं। हम तो स्टॉल्स देख के अभिभूत हो गए हैं, कि हम भी चाह रहे थे कि जो है समय का अभाव है, अगर समय मिलता है मैं फिर से आऊँगा और कुछ शायद प्रोडक्ट भी खरीद के लेके जाएंगे, आराम से देखेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट चुन के जाएंगे, फैमिली को लेके आएंगे, हम सबको, हमारे जितने कलीग्स हैं सबको भी प्रोत्साहित करेंगे, यहाँ आए और आप लोगों से मिले, आपका प्रोडक्ट देखें और यहाँ से खरीदारी करें, और जितने भी हमारे जानकार हैं सबको ये सूचित करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो, ये मेला में आप लोग आए हैं, और आपका आगे का सक्सेस के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ आपका फिर से धन्यवाद और अभिनंदन अर्पण करता हूं। और अभी हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, हम सब उनसे कुछ आशीर्वचन सुनने के लिए मैं उनको अनुरोध करता हूं। थैंक यू सुप्रांशु जी, सुब्रमण्यन जी, श्रीना जी, जावेद, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, representatives from the Art Sans community and women entrepreneurs. Today is a very happy day for all of us at CP. Seeing the kind of encouragement, involvement and enthusiasm in the last 30 minutes that we have been able to see when seeing the stall set up under this particular initiative, we feel that there is lot more to be done across the length and breadth of the country. In fact, giving loans to small and medium enterprises and recovering those loans. But as Sudhanshu has rightly pointed out, we have got a larger mandate of promotion and development activities by which the entire ecosystem of the MSMEs in the country are to be supported in a very big way. We do it through various measures, and this Swavalamban Melas are one of such initiatives whereby artisans from different parts of the country get an opportunity to display their products. It is not just display about their products. It is, according to me, display of their talent. The talent
which is so much evident when we see the products, and that talent needs to be known to the entire world. And Mr. Sudhanshu has rightly said that democratizing the access. In fact, when we talk of MSMEs, there are lots of problems with regard to loans, their market problems, technology problems, etc. But at the end of the day, we need to work with solutions in mind. And one such important initiative taken by the Government of India is the promotion of an organization called as Open Network for Digital Commerce. This ONDC is a technology throughout the country. In fact, there will be no geographical boundaries. As you rightly said, today if there is a physical store in place, you can sell the products only at one or two locations. But if it is done through a digitalization process, we have opportunities to sell our products across the country, and the logistics are also being taken care of, because you will always have some kind of worry or concerns. Okay, I have my product, but how do I transport it from one particular place to another particular place? Or what will happen? How to see the results with your own eyes? In fact, this platform will definitely be a kind of a disruptive kind of a program, by which there will be a lot of encouragement for people to come into this kind of entrepreneurship. Because Swalamban, as all of you know, is you need to stand on your own feet, right? It is not about looking for a job or working for a job. It is about creating those opportunities with your own talent and making others to come into these kind of activities. So your commitment to these kind of programs and initiatives is very much required. And what we earnestly appeal to all of you individually is to play a very cooperative role with all the agencies. Now you can see there are so many people working with you, right? It is not just about one organization. It is not about Government of India. It is SIDBI. It is another organization. It is NHSDC. Then there are so many NGOs. So if you pool all these resources, you will get to know the strength that you are having around you. You need to carry the strength across the other people also, motivate them, and see that entrepreneurship. See, when we say entrepreneurship is not about just building your products and selling them, right? It is more about adding competencies to your skills, right? You have so many skills. All those skills will have to be nurtured in different ways. And finally, when we are able to show to the world that with our own efforts, right? Swalambi means with your own efforts, right? That effort making from you voluntarily will definitely encourage all in the country to go in a very big way and show that Indian entrepreneurs at the lowest level can become successful. Today we have examples of many big corporates succeeding, right? We have built the hugest of airports, we have built the biggest of